नमस्कार दोस्तों, मिलिए गुग्गी से। हाय। जस्ट इमेजिन सीरीज में गुग्गी हमें निजी जिंदगी में उपयोग होने वाले वस्तुओं के बारे में जानकारी देगी। तो इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि गैस स्टोव लाइटर कैसे काम करता है। अब दिखने में लाइटर भले ही बहुत आम लगे, पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही क्रिएटिव है। आपने ये सुना ही होगा कि दो पत्थर एक दूसरे पे जोर से मारने पे स्पार्क निर्मित होता है। इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है लाइटर में। चलिए जानते हैं ये कैसे होता है। ये वो सभी मेन पार्ट्स हैं जो लाइटर में मौजूद रहते हैं। चलिए अब हम इन्हें एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले आता है पुश बटन, जिसे दबा के लाइटर को चलाया जाता है। इसे कहते हैं हैमर असेंबली, जो स्पार्क उत्पन्न करने के लिए जरूरी बल प्रदान करता है, जिसे हैमर फोर्स कहते हैं। और यही वो हैमर है जिससे ये फोर्स संचारित होता है। यहाँ जो बड़ी वाली स्प्रिंग आप देख रहे हैं, इससे पुश बटन वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इसे कहते हैं बिलेविल स्प्रिंग, जो हैमर से होने वाले इम्पैक्ट फोर्स को डैम करने का काम करती है। जैसे ही स्प्रिंग पे दबाव आता है तो वो कंप्रेस होते हुए पूरे फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि लाइटर का कोई भी पार्ट डैमेज होने से बच जाता है। या यूं कहे कि ये स्प्रिंग एक डैम्पर की तरह काम करती है। अगर आपको डैम्पिंग के बारे में जानना है तो उस पे मैंने अलग से विस्तार में वीडियो बना रखी है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए इसे कहते हैं स्टॉपर। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये हैमर असेंबली को रोकने का काम करता है, जिसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में हम जल्द ही वीडियो में जानेंगे। आपको मैं सभी पार्ट्स से रूबरू करा रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब आखिर में आती है इग्नाइटर असेंबली। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसका काम है स्पार्क जनरेट करना। इस असेंबली के सबसे ऊपर एक क्लिप लगा रहता है, जो इस मेटल पार्ट जिसे स्ट्राइकर कहते हैं उसे अपनी जगह पे बनाए रखता है। स्ट्राइकर का अपनी जगह पे रहना बहुत जरूरी है, वरना लाइटर मिसफायर कर सकता है। यानी कि पुश बटन को दबाने पे आवाज तो आएगी पर स्पार्क आएगा ही नहीं। और ऐसी समस्या तो आपने बहुत बार लाइटर में देखी ही रहेगी। तो ये प्रॉब्लम बस यही एक छोटे से क्लिप की वजह से पैदा होती है। कवर को हटाते ही आपको कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा। यही ग्रे कलर पार्ट की वजह से लाइटर स्पार्क बनाता है, जिसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। और इस स्पार्क उत्पन्न करने की प्रक्रिया को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। चलिए हम विस्तार में जानते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ऐसे बिजली उत्पन्न करने वाले पत्थरों को कहते हैं क्वार्ट्ज। इनका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जब भी उनके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस यानी दबाव पड़ता है तो एक क्रिस्टल उसे इलेक्ट्रिक फॉर्म यानी बिजली में परिवर्तित कर देता है। इसके अंदर जरा झांक के देखें तो हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। सामान्य स्थिति में इस क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं, और जब भी उस पे हथौड़े से या किसी चीज से वार किया जाता है तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स एक दिशा में मुड़ जाते हैं, और इसी बदलाव से स्पार्क जनरेट होता है। अब आपको सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी मिल गई है, तो आगे बढ़ते हुए हम इसके वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं। पुश बटन हैमर असेंबली को नियंत्रित करता है। तो जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो असेंबली नीचे जाती है, लेकिन स्टॉपर में मौजूद खांचे की वजह से वो रुक जाती है। ये वो स्थिति है जब आप लाइटर को हल्के से दबाते हैं। जब आप और जोर लगाते हैं तो खांचे के चलते असेंबली तो नीचे नहीं जा पाती, लेकिन हैमर पूरी ताकत से नीचे जाता है। यहाँ ध्यान से देखिए कैसे हैमर खांचे से सटक के नीचे जाता है। नीचे जाते ही हैमर स्ट्राइकर से जोर से टकराता है, जिससे के पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे दबाव पड़ता है। लाइटर में यूज होने वाले पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेड जिरकोनेट से बना होता है, जो बहुत सस्ता होता है। क्रिस्टल पे जोर से टकराते ही बिजली का संचार होता है, जो क्रिस्टल के रास्ते नीचे जाती है। यहाँ आपको छोटा सा एयर गैप दिखाई दे रहा है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं ऐसा क्यों होता है। आगे बढ़ते हुए स्पार्क अपने आखिरी सफर की ओर चलते हुए लाइटर की टिप से बाहर निकलता है और गैस स्टोव जलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। गुग्गी के साथ आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।